हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है नर्सिंग फंडामेंटल का टॉपिक, ट्यूब फीडिंग या गैस्ट्रिक गार्बेज। सबसे पहले हम टाइटल के अंदर पढ़ेंगे कि ट्यूब फीडिंग या गैस्ट्रिक गार्बेज के अंदर हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर जो पॉइंट्स दे रखे हैं उसके अलावा दो पॉइंट्स और इंक्लूड होंगे। सबसे पहला पॉइंट आएगा इसके अंदर डेफिनेशन, देन हम पढ़ेंगे इंडिकेशन एंड एडवांटेज ऑफ ट्यूब फीडिंग, थर्ड पढ़ेंगे हम प्रिंसिपल्स, फोर्थ आएगा मेथड ऑफ डिफरेंशिएटिंग द प्लेसमेंट ऑफ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, जनरल नेक्स्ट आएगा जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड देन नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देन प्रोसीजर। और एक जो पॉइंट हम ऐड करने वाले हैं वो है पर्पज। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा कि नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब के लिए हमें पहले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पता होना चाहिए कि नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब कहाँ से कहाँ तक एंटर होगी, कहाँ इसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले ये ह्यूमन बॉडी है, इसके अंदर तीन पोर्शन दे रखे हैं। एक दे रखा है नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब जो डाल रखी है नोज़ के थ्रू, देन ईसोफेगस के अंदर से होते हुए वह स्टमक तक जा रही है। ये है इसका डायग्राम। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्यूब क्या है, ट्यूब के टाइप्स पढ़ेंगे। तो अपन तीन टाइप की ट्यूब फीडिंग दे सकते हैं, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग, ऑरोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग एंड देन गैस्ट्रोटॉमिक ट्यूब फीडिंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन में आएगा कि अ प्रोसेस वेयर अ ट्यूब इज इंट्रोड्यूस्ड टू द स्टमक थ्रू नोज। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ट्यूब को इंट्रोड्यूस किया जाता है नोज के थ्रू स्टमक के अंदर। ऐसी ट्यूब्स के अंदर हम इसे ही हम बोलते हैं गैस्ट्रिक गावेज या एनजी ट्यूब फिडिंग या एनजी ट्यूब इंसर्शन। एनजी ट्यूब इंसर्शन इसे बोलेंगे। नेक्स्ट जो आएगा वो है एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब फिडिंग हम कैसे देंगे कि सबसे पहले एनजी ट्यूब को इंसर्ट करेंगे, नोज से होते हुए जाएगी ईसोफेगस एंड देन स्टमक तक जाएगी। ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है वो माउथ के थ्रू जाएगी स्टमक तक। देन गैस्ट्रोटॉमी ट्यूब जो है वो इंट्रोड्यूस द स्टमक थ्रू द एब्डोमिनल वॉल, जो कि डायरेक्ट एब्डोमिनल वॉल के थ्रू स्टमक के अंदर एंटर होगी। ये तो हो गई इन तीनों के बारे में। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इसके पर्पज। पर्पज क्या है? सबसे पहले कि प्रोवाइड फीडिंग, कि खाना प्रोवाइड फीडिंग यानी कि पेशेंट को फीड करवाना। देन प्रिवेंट एसिडिटी, एसिडिटी से प्रिवेंट कराना। अगर पेशेंट को लंबे टाइम तक कुछ खाने को ना दिया जाए तो जो स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं उसकी वजह से एसिडिटी हो सकती है पेशेंट को। तो एसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए भी हम एनजी ट्यूब डाल के फीडिंग करवाते हैं पेशेंट को। देन डायग्नोस्टिक पर्पस, डायग्नोसिस के पर्पस से भी हम इसको डालते हैं। देन एब्डोमिनल इरिगेशन यानी कि एब्डोमिन को क्लीन करने के लिए भी अपन एनजी ट्यूब इंसर्ट करते हैं। देन अब इसके प्रिंसिपल्स क्या आएंगे गैस्ट्रिक गावेज या ट्यूब फीडिंग के। ट्यूब फीडिंग के प्रिंसिपल्स में आएगा सबसे पहला, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गिविंग लिक्विड न्यूट्रिएंट और मेडिकेशन थ्रू अ ट्यूब इनटू द स्टमक व्हेन द ओरल इंटेक इज एडिक्वेट और इम्पॉसिबल। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि लिक्विड न्यूट्रिएंट और मेडिसिन वगैरह ट्यूब के थ्रू स्टमक में दी जाती है। और ये किस लिए दी जाती है कि जब पेशेंट लेने के लिए मतलब पेशेंट है वो खुद से ओरली इंटेक नहीं कर पा रहा है। तो देन इसको अपन एक्सप्लेन और ज़्यादा करेंगे। तो और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए हम इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फीडिंग बाय नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, फीडिंग बाय ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब और फीडिंग कैन बी गिवन विद अ गैस्ट्रोटॉमी ट्यूब। ठीक है, ये तो है इसका पहला प्रिंसिपल। सेकंड जो प्रिंसिपल आएगा वो है नॉलेज ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जिस ऑर्गन के अंदर हम ट्यूब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बारे में हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का पूरा नॉलेज होना कंपलसरी है, ताकि वो हम पेशेंट को इंजरी ना करें, पेशेंट को नुकसान ना करें। देन इसको एक्सप्लेन करेंगे अगर हम और भी अच्छी लैंग्वेज में, तो
डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना, फॉर एग्जांपल नेजल कैविटी, ओरल कैविटीज़ के बारे में, और ऐसे ऑर्गन्स जहाँ से होकर के ये ट्यूब्स निकलती है, ये ट्यूब निकल रही है, ठीक है, जहाँ से होकर के ये पास हो रही है ट्यूब, देन उसके बाद में हम बोलेंगे कि इसकी एनाटॉमी को हम जानेंगे, तो ये होगा कि जो ईसोफेगस है उसके जस्ट फ्रंट में ट्रैकिया होती है, जो कि ट्रैकिया होती है, तो बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं कि जो ट्यूब है वो ट्रैकिया के अंदर चली जाए, ईसोफेगस में ना जाके ट्रैकिया के अंदर चली जाए। तो अगर ट्रैकिया के अंदर ट्यूब चली जाएगी तो एस्फेक्शिया कॉज करेगी पेशेंट को, एस्फेक्शिया कॉज करेगी पेशेंट को, सांस लेने में दिक्कत आएगी, और जो कि साइन होता है इनकरेक्ट प्लेसमेंट का। देन पेशेंट नर्स को या डॉक्टर को एनजी ट्यूब या गैस्ट्रिक ट्यूब फिडिंग को इंसर्ट करने से पहले उसकी एनाटॉमी इसीलिए पता होनी चाहिए और उसके साइंस पता होने चाहिए, एग्जैक्ट ट्यूब प्लेसमेंट के साइंस भी पता होने चाहिए, जिससे कि पेशेंट को इंजरी ना हो। देन हम बोल सकते हैं कि एक म्यूकस लाइनिंग होती है ऑर्गन्स के अंदर के साइड में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, जो पूरा कवर करती है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को किसी भी इंजरी या फ्रिक्शन से बचाती है और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाती है। देन उसके बाद में हमें ये पता होना चाहिए कि ट्यूब की लेंथ कितनी है और कितनी लेंथ तक हम ट्यूब को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर। तो उसको अपन ट्यूब को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए अपन सबसे पहले जो जो क्या बोलते हैं यूज़ करेंगे तरीका, वो है कि टिप ऑफ द नोज से लेकर के ईयर लोब तक, एंड देन सिम्फोइड प्रोसेस तक, स्टर्नम के टिप ऑफ द सिम्फोइड प्रोसेस तक हम यूज़ करेंगे। ये 10 से 12 इंच तक हो सकता है। और उसके बाद में हम जो नेक्स्ट इसको और एक्सप्लेन करेंगे, तो स्टमक होना चाहिए वो प्रॉपरली कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे गैस्ट्रिक जो सिक्रेशन होते रहते हैं, गैस्ट्रिक जो सिक्रेशंस होंगे, तो एस्पिरेशन जब हम करेंगे तो हमें एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि ट्यूब सही जगह पे प्लेस हुई है, तो ये भी एक तरीका है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल आता है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर द बॉडी थ्रू फूड एंड ड्रिंक, मतलब फूड और ड्रिंक के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बॉडी में एंटर हो रहे हैं। देन उसको अपन और एक्टिवली एक्सप्लेन करेंगे या और एक्सप्लेन करें तो ये है कि सेपरेट आर्टिकल्स का यूज़ करना चाहिए फीडिंग के लिए इंडिविजुअल क्लाइंट्स के लिए इंडिविजुअली, क्योंकि वो क्रॉस इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बॉडी में एंटर करते हैं फूड एंड ड्रिंक के थ्रू, तो फूड को हाइजीनिक तरीके से प्रिपेयर करें, और अगर फूड है वो अनयूज्ड फीड है तो उसको अपन रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख सकते हैं, बिकॉज प्रिवेंट करता है ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया को। नेक्स्ट इसको एक्सप्लेन करेंगे कि नर्स है वो कंटिन्यू या हैंड वॉश करती रहे बिफोर प्रिपेयरिंग द फीड एंड फीडिंग द क्लाइंट, मतलब भोजन पकाने से पहले और क्लाइंट को फीड करवाने से पहले। देन ट्यूब होगी वो बाहर के साइड रहेगी, नॉस्ट्रल के बाहर के साइड, तो उसकी भी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है, जो कि प्रिवेंट करती है बैक्टीरिया को एंटर करने से इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर। देन नेक्स्ट जो प्रिंसिपल आता है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्यूब इन टू द माउथ और नॉस्ट्रल, तो सबसे पहले माउथ और नॉस्ट्रल के अंदर ट्यूब को इंट्रोड्यूस कराने से पहले हम उसको एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को, ताकि पेशेंट का कॉन्फिडेंस अपन जीत सके और वो कॉपरेट कर सके हमारे साथ, और जो कि क्लाइंट को चेक कर सकते हैं कफिंग रिफ्लेक्स के द्वारा कि ट्यूब है वो फेरिंग्स में तो नहीं चली गई है, स्वेलोइंग द सलाइवा, अपन उसको बोलेंगे कि आप सलाइवा को स्वेलो करते रहे, जिससे कि डाउनवर्ड मूवमेंट में वो ट्यूब है वो जाती रहेगी स्टमक तक। देन एक्सप्लेन करेंगे सीक्वेंस वाइज प्रोसीजर को,
जो कि पेशेंट को सीक्वेंस वाइज अगर प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे तो उसकी एनजाइटी और फियर है वो थोड़ा कम हो जाएगा। उसके बाद में पेशेंट को है वो है फाउलर पोजीशंस देंगे, फाउलर पोजीशन सिटिंग पोजीशन में बिठा के पेशेंट को सिट करवा के देन फाउलर पोजीशंस प्रोवाइड करेंगे, देन उसको आगे की तरफ फॉरवर्ड करेंगे, फैसिलिटेट डाउनवर्ड मूवमेंट्स। इसका जो हम बुक का पॉइंट अगर हम ले तो ऐसे बोलेंगे कि प्लेसिंग द क्लाइंट इन अ फाउलर पोजीशन और इन अ सिटिंग पोजीशन विद द हेड इनक्लाइंड फॉरवर्ड फैसिलिटेट्स डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द ट्यूब अलोंग द कर्व ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये है फोर्थ प्रिंसिपल। इसके अंदर हम इसका एक और तरीका है उसको भी बता सकते हैं कि पोजीशन कौन कौन सी होगी। तो इसके अंदर हम पोजीशन जो देंगे एंड जी ट्यूब से फिडिंग करवाने के लिए हमेशा हम सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। और जो नेक्स्ट जो प्रिंसिपल आता है वो है सिस्टमैटिक वेज ऑफ वर्किंग। वर्किंग एड्स टू द कम्फर्ट एंड सेफ्टी ऑफ द क्लाइंट एंड हेल्प द इकोनॉमी ऑफ मटीरियल टाइम एंड एनर्जी। इसको अपन और एक्सप्लेन करें तो ये क्या होता है कि इसके अंदर क्लाइंट को सबसे पहले हमें कंफर्टेबल पोजीशन देनी है और बेड की जो हाइट है वो एडजस्ट करनी है कंफर्टेबल वर्किंग के लिए, ताकि नर्स कंफर्टेबली वर्क कर सके, जो ट्यूब है उसकी पेटेंसी को चेक करते रहे और पेशेंट को फिजिकली एंड मेंटली प्रिपेयर रखे ट्यूब फिडिंग के लिए। देन आर्टिकल्स है वो प्रोसीजर से पहले ही हमें अरेंज करने हैं सारे। देन एक्यूरेट रिकॉर्डिंग करनी है इनटेक ऑफ फूड की न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन टू प्रिवेंट अंडर, जो कि पेशेंट को न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन से प्रिवेंट करता है, अंडर न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन से प्रिवेंट करता है। उसके बाद में ये तो होता है इसका फिफ्थ प्रिंसिपल। देन हम आएंगे कि मेथड ऑफ डिफरेंशिएटिंग द प्लेसमेंट ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के प्लेसमेंट के लिए कौन कौन से मेथड्स है जो उसको डिफरेंशिएट करते हैं। एक तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड देन दूसरा आएगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ट्यूब को इंसर्ट कराने पर क्लाइंट को कोई भी प्रकार का डिस्ट्रेस नहीं होगा ब्रीदिंग के अंदर। देन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर अगर हम इसको इंसर्ट कराएंगे तो क्लाइंट में डिस्पनिया, वॉयलेंट कफ, साइनोसिस और ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। देन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर हम वापस से आते हैं तो नो डिफ़िकल्टी इन टॉकिंग इफ़ द ट्यूब इज़ इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अगर ट्यूब है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर है तो उसको बोलने में दिक्कत नहीं आएगी, बल्कि जबकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर अगर ट्यूब इंसर्ट है तो उसको बोलने में भी दिक्कत आएगी। उसके बाद अगला है कि इससे हम अटैच द डिस्टल एंड ऑफ द ट्यूब टू द सिरिंज। सिरिंज जो ट्यूब का जो डिस्टल एंड है उससे अपन सिरिंज के बैरल को अटैच कर देंगे और इन्वर्ट करेंगे और देन ट्यूब फिटिंग करवाएंगे। देन उसके बाद अपन रेस्पिरेटरी में आएंगे कि नो फ्लूइड विल बी विदड्रॉन इफ़ द ट्यूब इज़ इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ट्यूब है तो अपन फ्लूइड नहीं देंगे पेशेंट को। देन अपन आते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस के अंदर। जनरल इंस्ट्रक्शंस में आएंगे और उसके बाद हम आएंगे आर्टिकल्स। तो पहले हम पढ़ लेते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के अंदर आएगा एक ट्रे लेंगे, किडनी ट्रे, उसके अंदर फिटिंग ट्रे, उसके अंदर हम बोल सकते हैं कि वाटर एंड किडनी ट्रे, एक फिटिंग कप विद वाटर किडनी ट्रे। वाटर का कप और किडनी ट्रे क्यों लेंगे? माउथ वॉश के लिए आफ्टर फीड और बिफोर फीड। देन दूसरा जो आर्टिकल आएगा वो है मैकिंटोश एंड टॉवल। मैकिंटोश एंड टॉवल का यूज़ करेंगे टू प्रोटेक्ट द गारमेंट एंड बेड लिनन। थर्ड आएगा कॉटन टिप्ड एप्लीकेटर। कॉटन टिप्ड एप्लीकेटर का हम यूज़ करेंगे क्लीन द नॉस्ट्रल्स के लिए। देन आएगा सेलाइन एंड सोडा बाइकार्ब सॉल्यूशन। देन आर्टिकल आएगा लेविन ट्यूब एंड रायल्स ट्यूब इन अ बॉवल ऑफ आइस। फिर उसका अगला आर्टिकल आएगा लुब्रिकेंट सच एज वाटर सॉल्यूबल जेली एंड ग्लीसरीन।
और लिक्विड पैराफिन। देन अगला आर्टिकल आएगा अडहेसिव प्लास्टर एंड सीजर्स, ये किस लिए चाहिए, टू फिक्स द ट्यूब इन पोजिशन। देन अगला आर्टिकल आएगा रैग पीसेस इन अ कंटेनर जो कि पर्पज होगा टू वाइप द सिक्रेशंस। देन अगला आर्टिकल आएगा पेपर बैग टू कलेक्ट द वेस्ट, क्लीन सिरिंज और फनल इन अ ट्रे टू एस्पिरेट द गैस्ट्रिक कंटेंट एंड टू गिव द फीडिंग। नेक्स्ट आएगा कि ग्लास ऑफ फीड इन अ बॉवल ऑफ वार्म वाटर जो कि बॉडी टेम्परेचर फीड टू गिव द फीड एट द बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट आएगा अनसेंस ग्लास बॉवल विद वाटर क्लैंप सक्शन एपरेटस। सक्शन एपरेटस का यूज़ करेंगे क्लियर द एयर वे इन गैस ऑफ अनकॉन्शियस एंड सीरियसली इल क्लाइंट हु वॉमिट द एस्पिरेट एंड फ्लूड इन टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। एयर वे को क्लियर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। देन जनरल इंस्ट्रक्शन पर जब हम आएंगे तो जनरल इंस्ट्रक्शंस हम पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर सबसे पहला जो ट्यूब फीडिंग है वो ओनली डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। दूसरा जो इंस्ट्रक्शन है कि अगर क्लाइंट कॉन्शियस है और एक तो उसको प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना चाहिए ताकि उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके, अपन उसका कॉन्फिडेंस जीत सके और वो हमारे प्रोसीजर में हमें कॉपरेट कर सके। देन अगला जो आएगा वो है रिमूव द डीनेचर्स इफ एनी टू प्रिवेंट फ्रॉम डिसलॉगिंग एंड ब्लॉकिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। देन फोर्थ जो आएगा वो है रबर ट्यूब मे बी प्लेस्ड इन अ बॉवल ऑफ आइस टू कूल द स्टिफन। देन नेक्स्ट आएगा लुब्रिकेट द ट्यूब विद द सूटेबल लुब्रिकेंट। देन आएगा द ट्यूब इज डिप्ड इन अ लिक्विड और लुब्रिकेंट बिफोर द इंसर्शन। देन जनरल इंस्ट्रक्शन अगला आएगा द इक्विपमेंट यूज फॉर फीड शुड बी क्लीन, कि इक्विपमेंट को यूज़ करने के बाद फीडिंग के बाद उसको क्लीन करना चाहिए। एवरी टाइम बिफोर गिविंग द फीड मेक श्योर दैट द ट्यूब इज़ इन स्टमक बाय एस्पायरेटिंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्टमक कंटेंट। नेक्स्ट आएगा व्हाइल रिमूविंग द ट्यूब पिंच द ट्यूब एंड पुल इट आउट जेंटली एंड क्विकली सो दैट द फ्लूड मे बी ट्रिकल डाउन द ट्रेकिया। नेक्स्ट जो आएगा जनरल इंस्ट्रक्शन वो है अवॉइड इंट्रोड्यूसिंग एयर इन टू द स्टमक ड्यूरिंग ईच फीड बिकॉज एक्सपेल द एयर फ्रॉम द ट्यूब बाई लोवरिंग द ट्यूब बिलो द लोवल ऑफ द स्टमक। नेक्स्ट आएगा पिंच द ट्यूब बिफोर द फ्लूड रन्स इन टू द स्टमक कम्प्लीटली फ्रॉम द ट्यूब। ये सब आता है इसके जनरल इंस्ट्रक्शंस के अंदर। नेक्स्ट आएगा स्टेप ऑफ प्रोसीजर। प्रोसीजर का जो स्टेप आएगा उसमें हम यूज़ करेंगे कि सबसे पहले हैंड वॉश करेंगे देन टेक द ट्यूब एंड चेक वेदर इट इज़ इन गुड ऑर्डर, एक्सपेल द वाटर फ्रॉम द ट्यूब एंड चेक द ट्यूब फॉर पेटेंसी। देन नेक्स्ट जो प्रोसीजर आएगा प्रोसीजर का नेक्स्ट पॉइंट आएगा मेजर डिस्टेंस ऑन द ट्यूब एंड द ब्रिज ऑफ द नोज एंड ईयर लोब, पल्स द डिस्टेंस फ्रॉम द ईयर लोब एंड टिप ऑफ द ज़िम्फॉइड प्रोसेस ऑफ द स्टर्नम, mark the distance of the tube to prevent cross infection. Then any blockage should be corrected before introducing the tube. If any water is remaining in the tube it is dribble into the trachea and choke the client. Rough guide is approximately length of the tube is reached to the stomach. स्टेप्स में क्या करेंगे कि ट्यूब को लुब्रिकेशन करेंगे 6 to 8 इंच तक विद द लुब्रिकेंट। देन होल्ड द ट्यूब कॉइल्ड इन अ राइट हैंड एंड इंट्रोड्यूस द टिप इनटू द लेफ्ट नॉस्ट्रिल तक। देन पास द जेंटली बट क्विकली बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड्स। मैनोमेट्री रेसिस्टेंस मे अकर एज द ट्यूब इज पास्ड इनटू द नेसोफेरिंक्स। हैव द क्लाइंट फ्लेक्स द हेड, विदड्रॉ द ट्यूब अबाउट 1 inch, रोटेट इन साइड टू द साइड जेंटली, एडवांस द ट्यूब। वैन द नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो है वैन द ट्यूब रीचेज द फेरिंग्स द क्लाइंट में गैग, अलाउ हिम टू रेस्ट फॉर द मोमेंट, आस्क हिम टू टेक पेंटिंग ब्रिथ। नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो हैव द क्लाइंट टेक सिप्स ऑफ वाटर एंड स्वेलो ऑन कमांड, एडवांस द ट्यूब 3 to 4 inch टाइम
क्लाइंट स्लो स्वेलो कंटिन्यू टू एडवांस द ट्यूब अंटिल द रीचेज द प्रीवियसली डेजिनेटेड मार्क. नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा, चेक द प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब इन द स्टमक. कैसे चेक करेंगे, एस्पायरेट द गैस्ट्रिक कंटेंट विद अ सिरिंज. एस्पायरेट करेंगे गैस्ट्रिक कंटेंट को सिरिंज के थ्रू. देन प्लेस द एंड ऑफ द ट्यूब विद अ सिरिंज बैरल और फनल इन टू द बबल ऑफ वाटर एंड नोट द रिदम ऑफ एस्केपिंग बबल्स. देन नेक्स्ट आएगा, देन नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो है, आफ्टर द ट्यूब इज इन प्लेस टेप इट इन द साइड ऑफ द फेस एंड वेट फॉर सम टाइम बिफोर गिविंग द फीड. नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है, बिफोर गिविंग द फीड, कुछ भी खिलाने से पहले प्योर सेम वाटर सम वाटर थ्रू द फनल. फनल के अंदर अपन क्लीन वाटर या एनएस से क्लीन करेंगे. लोअर द फनल स्लोली सो एज टू एक्सपेल द एयर. देन गिवन द फीड एंड द मेडिसिन केप्ट रेडी फॉर द क्लाइंट. वैन द फीड इज फिनिश्ड प्योर अ लिटिल वाटर और क्लैम्प द ट्यूब फर्मली टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ फ्लूइड. नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो इंसर्शन ऑफ द आफ्टर केयर ऑफ द क्लाइंट एंड आर्टिकल्स. देन अगला पॉइंट आएगा, इंसर्शन ऑफ द ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब. ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब है वो प्री मेजर द ट्यूब फॉर द लिप्स टू द स्टर्नम. लिप्स से लेकर के स्टर्नम तक उसको मेजर करेंगे. देन अगला जो पॉइंट है वो है, टू फैसिलिटेट द पासेज ऑफ द ट्यूब. पासेज ऑफ द ट्यूब, आस्क द क्लाइंट टू सक ऑन द ट्यूब और एज इफ इट वर अ स्ट्रॉ एंड स्वेलो एट द सेम टाइम. उसी टाइम पर वो उसे निकलना स्टार्ट करे. देन नेक्स्ट आएगा वो है गैस्ट्रोटॉमी ट्यूब या गैस्ट्रोटॉमी फीडिंग. गैस्ट्रोटॉमी फीडिंग में आएगा कि यूज़ करते हैं अपन ट्यूब को इंट्रोड्यूस करते हैं थ्रू द ट्यूब को इंट्रोड्यूस करते हैं एब्डोमिनल वॉल के थ्रू सीधा स्टमक के अंदर. देन फूड इज गिवन थ्रू द गैस्ट्रोटॉमी ट्यूब.